हेलो दोस्त, कैसे हो? तो आज मैं आपको 2500 का दिखाऊंगा, जिसमें एक किचन, लैट्रिन, वॉशरूम और बालकनी और टाथ मारा लगा हुआ। और एक बंदा को मैंने रूम दिलवाया था, तो घर करने से मुझे काफ़ी शिकायत आ रहा कि देखिए, मैं आपको एक बार आपको क्या कॉल पे बताऊं, मैं एक बार लाइव दिखाना चाहता हूँ। घर पर बहुत ज़्यादा खोज कर रहे थे कि देखिए कैसे कैसे लोगों को आप रूम दिलवाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो लड़का क्या दिक्कत कर रहा, लाइव दिखाऊंगा और कुछ वीडियो इसमें मेंशन करने वाला हूँ, जिसके जो आप देख कर बुक कर सको। काफ़ी अच्छा रूम होगा, इसी टाइप का रूम होगा, काफ़ी लो बजट में होगा। तो उससे पहले चलिए उस लड़का से एक बार जाकर बात करते हैं घर ओनर से कि क्या दिक्कत हो रहा है। चलिए उस लड़का को जाकर रूम पे। हेलो, अरे रोहित खोलो, खोलो रे। बोले कि वीडियो में आओ, तो बोला कि नहीं भैया, मैं वीडियो में आप रूम दिलवाए थे उस समय अभी नहीं आए थे, क्योंकि मुझे घर पे बोलेगा। तो हम बोले कि ठीक है भाई, वीडियो में नहीं आ सकता, बाकी मैं तुम्हारा जो कंडीशन की हो रूम का, वो रूम मैं दिखाऊंगा ऑनर बाकी ऑडियंस को कि आप क्या नहीं कर सको। भाई आपको बैचलर को इसलिए रूम नहीं देता है, पता है क्यों नहीं देता है? क्योंकि आप रूम को गंदा कर देते हो, माहौल गंदा कर देते हो, मतलब आस पास हम गिना देते हो, और आप सब कमेंट करते हो भैया मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे 1 BHK चाहिए। तो भाई क्यों देगा आपको जब रूम आप गंदा कर देते हो? चलिए पहले ये सब बताने से पहले मैं आपको रूम दिखा देता हूँ किस टाइप के आप गंदा करते हो। तो देखिए यही लड़का का रूम है, और चलिए पहले मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ। तो देखिए बालकनी में देखिए कितना कचरा यहाँ पे फैला हुआ है, और इधर इतना गंदा हुआ है, इधर भी पूरा गंदा किया हुआ है, पूरा क्या बोलते हैं, इधर कचकिच कचकिच यहाँ पे देख सकते हो। बालकनी मतलब इसमें टाइल्स मार्बल लगा हुआ था, बस इसे गंदा कर दिया गया है, और इतना ज़्यादा गंदा कर दिया गया है कि देखिए बैचलर को इसलिए रूम नहीं मिलता है जल्दी। तो काफ़ी यहाँ पे देखिए कचड़ा वचड़ा भी कितना जमा कर पूरा गंदा करके रखा है, पूरा देखिए यहाँ से पूरा गंदगी निकल रहा है, पता नहीं सब क्या करेगा, पूरा कचड़ा उचड़ा। और देखिए बगल में ही है, यहाँ पर रोड वोड भी है, तो इतना अच्छा रूम है, मतलब 2500 का मैं लड़का को रूम दिलवाया था, ओनली 2500 का। और देखिए मतलब आसपास का एरिया देखिए कितना अच्छा है, फिर भी ऐसे करते हो आप सब, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, घर के ओनर से शिकायत आता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा मतलब यहाँ पे पूरा लगा दिया है, पूरा गंदा फैला दिया है, देखिए मतलब बालकनी आप खुद ही देख कर कॉमेंट कीजिए कि गंदा है कि नहीं। तो यहाँ पर मतलब पूरा गंदगी बना के रखा है, ऊपर देखिए जाला उला भी लगा हुआ। चलिए मैं आपको किचन दिखाता हूँ। तो ये हो गया किचन, और किचन भी काफ़ी गंदा, देखिए यहाँ पे पूरा साफ उफ नहीं किया गया, तो बैचलर को इसलिए रूम नहीं मिलता है, और इधर भी गंदा बहुत ज़्यादा है, इधर भी पूरा कचड़ा उचड़ा फैला हुआ है, देखिए ऊपर से नीचे तक पूरा रूम गंदा हुआ है। तो मैं आपको कितना अच्छा अच्छा मतलब देखिए रूम कैसा है, मतलब बालकनी और विंडो वंडो, मतलब बगल में ही रोड है, मतलब जस्ट रोड के बगल में है, और फिर भी इतना गंदा करते हो, तो घर तो ना आपको नहीं बोलते हैं ज्यादा, आपको मतलब बोलते हैं बार तीन बार चार बार बोलेंगे, फिर उसके बाद मुझे कॉल आता है कैसा रेंटर को लगवा दियो अमित जी, रूम साफ नहीं रखता है, पूरा कचकिच कचकिच करता है। ये तो नया दिक्कत है, और बहुत लोग लड़की वड़की भी लाते हैं तो मुझे शिकायत आता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। मैं आपके साथ अच्छा रूम दिलवाता हूँ, लो बजट में दिलवाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा शिकायत ना आए भाई। आप अपना रूम में, आप घर के ओनर और रूम, आप दोनों मैटर को संभाल लो, मेरे तक नहीं आना चाहिए। तो भाई आप सब समझो, और मैं अगर इसी टाइप का एक रूम और है मेरे पास 4000 का, मैं उसका वीडियो दिखा देना चाहता हूँ, अगर पसंद आएगा तो इसे भी बुक कर सकते हो। तो पहले आप वीडियो देख लो। देख यही रूम है, ये बड़ा सा रूम है, इसी में किचन अंदर अटैच है, बड़ा किचन में भी खिड़की लगा हुआ, जस्ट इधर लाइटिंग वॉशरूम है, बाहर से कुछ ऐसा हो। तो भैया ये कैसा लगा? मतलब ये काफी अच्छा रूम है, मुझे तो काफी अच्छा लगा, और 4000 का पटना जंक्शन तरफ है, और एक पटना जंक्शन तरफ 3500 का, जिसमें बेड वुड फैन वुड सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आपको दिल्ली में चाहिए, बंगलोर में चाहिए, कोलकाता में चाहिए, रांची में चाहिए, या अदर कोई भी सिटी में चाहिए, तो मैं आपको रूम अवेलेबल करवा सकता हूँ, काफी हद तक हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर देखो भाई ये सब प्रॉब्लम मत करना यार, मुझे बहुत खराब लगता है। हाँ अगर आपको कहीं और रूम चाहिए, कोई और सिटी में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको देखूंगा कि उस सिटी में रूम अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल रहेगा, तो मैं आपको करवा दूंगा। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा व्हाट्सअप नंबर कॉल नंबर तो पता ही है कि कहाँ से मिलेगा, इंस्टाग्राम से भी मिल जाता है, यूट्यूब से भी मिल जाता है। तो चलिए मिलते हैं।